ये रे गाइस मैं दिखाता हूँ आपको, ओ ये रे ये रे ये रे ये रे ये रे ये देखो ये देखो ये अनार लगे हुए हैं ये रे। ओह माय गॉड वाओ। हाय गाइस गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय व्लॉग चैनल व्लॉग्स बाय माही। तो आज बहुत ही ब्यूटीफुल मॉर्निंग है, आज दिन मेरा बहुत जल्दी हो गया, आज मैं काफ़ी जल्दी उठ गया हूँ, रात को अराउंड 9:30-10 बजे सो गया था एंड बहुत जल्दी नींद खुल गई आज। तो आज सोसाइटी व्लॉग बनाने वाले हैं कि मैं कहाँ रहता हूँ कहाँ नहीं रहता। ये नोएडा एक्सटेंशन में सोसाइटी है, गौर सिटी 1 नाम से है, अगर आपको पता हो तो मेन प्राइम लोकेशन है गौर चौक चार मूर्ति के पास। तो मैं आपको अपनी सोसाइटी दिखाता हूँ एंड देन हम स्टार्ट करते हैं क्या क्या सोसाइटीज़ में अवेलेबल है, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं एंड क्या क्या व्हाट वी गेट ऑल यहाँ पे। बहुत ही प्यारा मौसम हो रखा है आज सुबह का। इट्स दिस इज़ अराउंड 6:15, 6:10, 6:15 हो रहे हैं और बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा है, बहुत ही प्यारी लाइटिंग हो रखी है, सूरज निकलने वाला है, बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा है। और ये हमारा स्विमिंग पूल है सोसाइटी का, ऑपरेशनल हो चुका है। यहाँ पे गाइस सोसाइटी में किसी में भी स्विमिंग पूल नहीं है, बहुत लिमिटेड सोसाइटीज़ में स्विमिंग पूल है जो गौर सिटी के अंदर है, गौर सिटी 1-2 में अंदर। ये हमारा पीछे है जिम एरिया, दिस इज़ आर सोसाइटीज़ जिम, जहाँ पे वी वर्कआउट समटाइम्स। आपको ट्रेडमिल हो, कोई भी एक्सरसाइज करनी हो तो जिम का आपको सारे इक्विपमेंट्स मिलते हैं। यहाँ पे आ जाता है हमारा बैडमिंटन कोर्ट एरिया, तो यहाँ पे काफ़ी लोग बैडमिंटन खेलते रहते हैं लेट नाइट तक भी, बिकॉज वी हैव दीज लाइट्स यहाँ पे एंड यहाँ पे दोनों साइड पे लाइट्स हैं। एंड सामने उस जगह पे अगर आप देख सकते हैं तो आई विल शो यू वहाँ पे जाके एक बार, वहाँ पे भी एक बैडमिंटन कोर्ट है। एंड साथ में यहाँ पे आता है किड्स प्ले एरिया, ये रिसेंटली पेंट हुआ है, पहले बहुत नॉर्मल था, सोसाइटी में काफ़ी काम चल रहा है अभी करंटली, तो इसको प्रॉपर डेवलप कर रहे हैं, बहुत सारे यहाँ पे स्विंग्स एंड ऑल हैं। और यहाँ पे बैठने के लिए यहाँ पे आपको ओपन जिम भी बना रखा है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्सरसाइज की मशीन्स हैं, बेसिक मशीन्स वगैरह एंड ऑल। वहाँ पे सिटिंग एरिया है, इफ़ समबडी इज़ वर्किंग आउट एंड थक गए हैं तो वहाँ बैठ सकते हैं आराम से, यार बहुत उसके अकॉर्डिंग मैनेज कर रखा है काफ़ी अच्छे से। ये पूरा प्ले एरिया है, तो यहाँ पे सामने एरिया में, उस एरिया में हमारा बैडमिंटन कोर्ट है, पूल, ये ऊपर वाला जो एरिया है यहाँ पे पूल है हमारा जो मैंने आपको अभी दिखाया था, तो दैट इज़ आर स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल के सामने जो उधर का एरिया है यहाँ पे बच्चे क्रिकेट भी खेलते रहते हैं बिकॉज ये भी खाली ग्राउंड हो रखा है। सामने वी हैव बास्केटबॉल कोर्ट, बास्केटबॉल हाफ कोर्ट है, मैं आपको दिखा देता हूँ ये, तो दिस इज़ आर बैडमिंटन कोर्ट। नेट भी यहाँ पर लगा हुआ है प्रॉपर और लाइट्स एंड ऑल सब सेटअप है, तो इफ़ समबडी वांट्स टू प्ले सोसाइटी में से कोई भी आता है तो यहाँ पे काफ़ी मैचेस चलते रहते हैं, लाइव एंटरटेनमेंट पूरा डेली चलता रहता है, ऑलमोस्ट वीकेंड्स पे तो लोग बहुत फ्री होते हैं तो लोग दिन में भी खेलते हैं शाम को भी खेलते हैं, फुल एंटरटेनमेंट चलता रहता है यहाँ पर सोसाइटी में। ये पूरा सिटिंग एरिया है प्लांट्स के आसपास, बहुत ही अच्छा डेवलप कर रखा है। तो मुझे सामने से डैड आते हुए दिख रहे हैं, डैड भी बहुत मॉर्निंग वॉक करते हैं, बहुत ज़्यादा जिम एंड एक्सरसाइज के शौकीन हैं, अपने आपको पूरा फिट रखते हैं, प्रॉपरली मेंटेन रखते हैं, उनको हाय बोलते हैं। हेलो डैडी, मॉर्निंग वॉक, मॉर्निंग वॉक, क्या बात है क्या बात है। तो गाइस दिस इज आवर बास्केटबॉल कोर्ट, ये हाफ कोर्ट है बास्केटबॉल का, एक साइड वी गेट ऑल सिटिंग एरिया, राइट, प्रॉपरली ऑडियंस टाइप का सिटिंग एरिया। प्लांट्स आई थिंक यहाँ पे नए नए प्लांट्स लगाए हैं, ये पूरे के पूरे काफ़ी अच्छे, और ये एरिया काफ़ी डेवलप हो रहा है। तो ये एक कॉर्नर हो गया सोसाइटी पार्क का, सेंटर का पूरा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ लोग वॉक कर रहे हैं मॉर्निंग में, सबको फिटनेस पसंद है, सबको फिट होना है। तो ये बास्केटबॉल कोर्ट है, बास्केटबॉल का नेट थोड़ा लटक गया है, ये आई थिंक मेंटेन दोबारा करना पड़ेगा सही से, और इसका पेंट भी काफ़ी लाइट हो गया है यहाँ पे,
तो ये भी थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ेगा। बाकी ये पूरा एरिया आप देख सकते हैं। तो अब हम आ गए हैं दूसरे पार्क में, साथ वाले सोसाइटी के बिल्कुल बगल में है। इसका नाम है दादा दादी पार्क। अब पता नहीं किसका दादा जी किसके दादी जी के ऊपर रखा हुआ ये, बट ठीक है, दादा दादी पार्क के नाम से सोसाइटी के बिल्कुल साथ में एडजस्टेंट है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं, योगा भी करते हैं, काफ़ी एजड लोग भी आते हैं। बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, बहुत अच्छे से मेंटेन्ड है। आप देख सकते हैं पूरा प्रॉपर एक पार्क मेंटेन करा हुआ है यहाँ पे। सोसाइटीज़ में बहुत सारे पार्क हैं, क्रिकेट स्टेडियम भी है, फुटबॉल कोर्ट भी है, मतलब प्रॉपर काफ़ी कुछ मेंटेन्ड है गौर सिटी के अंदर, राइट। तो यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ का व्यू इस वाले एरिया का, बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी गुड, वेरी वेल मेंटेन्ड एंड काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हम आए हैं डैड के साथ। डैड ने मुझे बताया कि इस पार्क में अनार भी लगे हुए हैं। वाह यार, काफ़ी अच्छे अच्छे पौधे हैं। अरे ये रहे अनार, ये रहे गाइस, मैं दिखाता हूँ आपको। ये रहे ये देखो ये अनार लगे हुए हैं, ये रहे। गाइस फाइनली, आपने देखा योगा भी यहाँ पे चलता रहता है, काफ़ी लोग यहाँ पे योगा कर रहे हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग माहौल रहता है। सुबह सुबह फ्रेश एयर में आप आओ, इतनी ग्रीनरी, इतना अच्छा मौसम, इतनी अच्छी फ्रेश एयर आपको मिलती है, तो उसमें आप आके एंजॉय करो, अपना पूरा टाइम स्पेंड करो, अपनी हेल्थ को दो। मैं भी शेड्यूल ये फॉलो नहीं कर पाता रेगुलरली, बट यार यहाँ पे आके ऐसा लगता है कि हमें ये करना चाहिए। इट्स लाइक रियली इंपॉर्टेंट फॉर द हेल्थ एंड वेल बींग। तो ठीक है, करेंगे। तो मैंने आपको आज दिखाया पूरी सोसाइटी एंड आसपास का एरिया, राइट। हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल दैट स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। या सी या।